असल आज हम डिस्कस करेंगे जी फेबर डाइट प्लान जिसको फॉलो करके आप विदिन अ मंथ छह से आठ किलो वजन आसानी से कम कर सकते हैं अगर आपने इससे पहले कोई भी मेरा डाइट प्लान फॉलो नहीं किया तो आप टेन के जीज तक वेट इस डाइट प्लान से रिड्यूस कर सकेंगे अगर आपने पिछले साल से वेट लॉस शुरू किया हुआ है वीडियो के साथ तो आप फोर टू फाइव के जी कम कर सकेंगे और अगर आप पिछले थ्री टू फोर मंथ से इस डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप फेब्री डाइट प्लान से अप्रोक्सीमेटली सिक्स टू एट के रिड्यूस कर सकेंगे कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है तो इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना ये डाइट प्लान बेसिकली इंटरमीडियंट फास्टिंग होने वाला है लेकिन इसमें हम 18 आवर्स फास्टिंग विंडो रखेंगे एंड सिक्स आवर्स की ईटिंग विंडो रखेंगे प्री ब्रेकफास्ट से मैं शुरू कर रही हूँ मैं एक दफा फिर रिपीट कर रही हूँ कोई मेडिकल हिस्ट्री है आप आपलेक्टेटिंग मदर हैं ब्लड प्रेशर का मसला है कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड डायबिटीज तो आपने डाइट प्लान फॉलो नहीं करना हमेशा अपने पास किसी भी अच्छी डायटेशन से कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाएं इस केस में फ्री ब्रेकफास्ट होगा इस डाइट प्लान में एक चाय का चम्मच सफेद जीरा एक इंच दारचीनी और एक चौथाई चाय का चम्मच मेथी दाना रात को डेढ़ लीटर पानी में भिगो के रखना है एक गिलास आपने उठकर पीना है बाकी थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खत्म करना है नाश्ता इस टाइप प्लान में हम रखेंगे तकरीबन 12 बजे के करीब दिन छोटे हैं एंड फेबररी एक ऐसा महीना है जिसमें इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो उसकी वजह से काफ़ी छुट्टियां भी आ जाएंगी हमें हम बड़ी आसानी से 12 से 6 वाली ईटिंग विंडो रख सकते हैं आगे फिर दिन बड़े हो जाने हैं रमजान आ जाना है तो उसमें ये ट्वेल्थ सिक्स हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा सो बारह बजे के करीब नाश्ता रख लेते हैं बड़ा आसान सा नाश्ता है आधी सूखी रोटी उसके साथ एक अंडा ज्यादा सारी सब्जियां डालकर अंडा नहीं लेना तो आप एक छोटी कटोरी के अंदर जितना सालन आता है आलू मना दाल अलाउड है इस डाइट में आलू मना बाकी आप कोई भी सालन ले सकते हैं कम ऑयल में बना हुआ खाना होना चाहिए आपने अपने लिए अलहदा खाना नहीं बनाना जितनी आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है बाकी घर वालों की भी हेल्थ उतनी इंपॉर्टेंट है तो सबका खाना कम ऑयल में बनेगा बजाय इसके कि आप कम ऑयल में खाना बनाने लग जाए सबका खाना कम ऑयल में कर दें एक्स्ट्रा ऑलिव ऑयल सनफ्लावर ऑयल कैनोला या कैनॉलिव ऑयल इस्तेमाल करने हैं कुकिंग के लिए उसके साथ आपने लेना है ऑफ नट्स एक मुट्ठी ऐसे बंद करके जितने नट्स उसके अंदर आते हैं आमंड वो ले लेने हैं। अब चाय का बहुत दिल है तो साथ ले लें आइडियली चाय का कप नाश्ते के 30 मिनट के बाद आना चाहिए तो चाय कम से कम दूध एक चाय का चम्मच शक्कर चाय में इतना सा दूध होना चाहिए एक चाय का चम्मच शक्कर डाली जा सकती है अगर आपको कॉफ़ी पीनी है तो सेम इसी तरीके से आप कॉफ़ी बना सकते हैं यानी कम से कम दूध एक चाय का चम्मच शक्कर डाल के चाय की पत्ती की जगह उसमें आपने कॉफी शामिल कर देनी है हाँ अगर आपसे चाय या कॉफ़ी का वेट नहीं होता तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप प्री ब्रेकफास्ट वाला वो न्यूट्रासोटिकल का ग्लास लेने के थोड़ी देर बाद ब्लैक कॉफी ले लें या आप नाश्ते के फौरन साथ चाय या कॉफी का कप ले लें सो so, नाश्ता मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद दोपहर को तकरीबन तीन बजे के करीब आपने एक पाव दही चम्मच से खाना है इसमें कुछ भी मीठा नहीं ऐड करना हाँ आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड करके इसका रायता बना सकते हैं जैसे कद्दू का रायता हो सकता है प्याज टमाटर खीरा थोड़ा चाट मसाला डाल के ये मेरा फेवरेट रायता होता है रायते का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको रायते का इस्तेमाल नहीं करना तो आप दूध का ग्लास इस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद रात का खाना साढ़े पाँच बजे शुरू कर देना है बाई सिक्स आपने रात का खाना अपना फिनिश करना है रात का खाना आपका होगा फिर से आधी सूखी रोटी या बीस चाय के चम्मच चावल उसके साथ सालन जितना मर्जी जौन सा मर्जी आलू बना है जैसे मैंने पहले बताया दाल अलाउड आप सालन किलो खा लें दो किलो खा लें इतना बड़ा मसला नहीं है रोटी चावल नहीं बढ़ाने रोटी गंदुम की होनी चाहिए जो आटा आपके घर में इस्तेमाल होता है कोशिश करें होल ग्रेन आटा हो जौ हो सकता है गंदुम हो सकता है मल्टी ग्रेन हो सकता है मगर सफेद आटे की रोटी मत खाया करें हमारा कल्चर ही नहीं है ब्राउन राइस तो मैं आपको ये नहीं कहती आप ब्राउन राइस खाएं आप वाइट राइस ले सकते हैं मगर रोटी प्लीज होल व्हीट आटे की या होल ग्रेन आटे की इस्तेमाल करें यह हो गया आपका सारे के सारे मील्स अब हम ऑल्टरनेट ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं अगर आपको नाश्ते में रोटी नहीं खानी तो आप ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस ले सकते हैं उसके साथ दो अंडों का अच्छा सा ऑमलेट बना लें अंडे की दो जो जर्दियां हैं वो आप एक महीने तक इस्तेमाल करेंगे बिकॉज एक्चुअली आपको दो जर्दियाँ नहीं लेनी एक जर्दी लेनी होती है अगर आपको वैसे कोई हार्ट का प्रॉब्लम है अव्वल तो डाइट प्लान फॉलो करना नहीं है लेकिन उस केस में फिर आप अंडे की एक जर्दी लेंगे और दो से तीन अंडे की सफेदियां ब्राउन ब्रेड के एक स्लाइस के साथ उसके साथ हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स और एक सेब सेब नहीं लेना तो आप चाय का कप ले सकते हैं या सेब उसी वक्त ले लें और चाय का कप थोड़ी देर के बाद ले सकते हैं तीन बजे के करीब दूध या दही वैसे ही रहेगा और रात के खाने में अगर आपको रोटी चावल नहीं लेने तो आप 250 ग्राम से 300 ग्राम तक ग्रिल चिकन या फिश या बाबी या तिक्का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप दाल चम्मच से इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद अगर आपको नौ दस बजे भूख लगती है तो आपने दो खाने के चम्मच इस दो ग्लास नीम गर्म पानी में डाल के फौरन पी लेना है अगर आपको वैसे कॉन्स्टिपेशन का मसला आता है तो भी आपने दो खाने के चम्मच इसबगोल दो ग्लास नीम गर्म पानी में डाल के नौ से दस बजे के दरमियान लेना है आपकी जो फास्टिंग विंडो है वो होगी शाम छह बजे से लेकर सुबह बारह बजे तक इसको आप री एडजस्ट कर सकते हैं जैसे अगर आपके लिए फिजेबल है नाश्ता आप दस बजे करें और ईटिंग विंडो आप फोर पे खत्म कर दें तो आप ऐसा कर सकते हैं फास्टिंग विंडो में अगर आपको भूख लगती है तो आप ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल करेंगे या लेमन ग्रास टी का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको मेथी जाने वाला पानी बोला है वो आप राउंड द डे पी सकते हैं वो आप फास्टिंग में भी पी सकते हैं वो आप ईटिंग विंडो में भी पी सकते हैं उसका कोई मसला नहीं होगा अक्सर लोग पूछते हैं अगर हम मल्टीवाइटामिन ले रहे हैं उनका क्या करें आप अपनी ईटिंग विंडो के अंदर मल्टीवाइटमिन ले सकते हैं मगर आपने कोई भी मल्टीवाइटमिन चाय के साथ नहीं लेना होता वैसे तो मैंने एक दफा पहले भी बोल दिया है कि कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो फॉलो नहीं करना लेकिन सख्ती से डायबेटिक पेशेंट्स ने इस टाइप को फॉलो नहीं करना मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है फॉलो नहीं करना लेकिन डायबेटिक पेशेंट ने तो सख्ती से इसको फॉलो नहीं करना एक माह से ज्यादा अपने इस टाइप को फॉलो नहीं करना इस टाइप प्लान में रोटी चावल दूध फ्रूट सब कुछ है हेल्दी डाइट प्लान है इंटरमीडिएट फास्टिंग पे बस हमने ईटिंग विंडो थोड़ी सी छोटी रखी है वो भी मैंने ये सोच के रखी है के रमजान से पहले पहले हम जितना हो सके मैक्स वेट रिड्यूस कर लें और वैसे भी आगे दिन लंबे होने वाले हैं फिर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इस विंडो को फॉलो करना तो ये डाइट प्लान फॉलो करें साथ में जुहेब सर का वर्कआउट करें नाश्ते या डिनर से पहले वाटर इंटेक अच्छा रखें और खाना कम ऑयल में बनाएं शुक्रिया